तो रोहन भाई, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. सो सर। टुमारो इज अ बिग डे फॉर यू. कैसा लग रहा है, किस तरीके की फीलिंग्स हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा है मूवी में? बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली। सिंकिंग नहीं हुआ, मतलब वो थोड़ी नंबनेस होती है ना, आई थिंक वहां वो स्टेज पे हूं मैं कि समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतना सब कुछ हो भी रहा है और एक साथ हो रहा है, तो आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आई एम गोइंग थ्रू, बट आई एम गोइंग थ्रू इट। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स, मतलब कुछ कुछ मोमेंट्स में मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, राइट. और फिर मैं मतलब जो भी मेरे आसपास है उसको हग कर देता हूँ। अच्छा. बट अदरवाइज यार मतलब स्ट्रेस चल रहा है यार, बहुत कुछ, मतलब इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड एवरीथिंग इज अमेजिंग, बट बहुत कुछ करना होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेंटली इतना एग्जॉस्टिंग होता है, स्पेशली प्रमोशन से लेके पीआर एंड जस्ट लाइक दैट्स मोर डिफिकल्ट देन एक्टिंग आई फील। राइट. बट यार बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल, बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज द लाइफ दैट आई चोज, सो जो राइट. हमें से चाहिए था वो मिल रहा है, तो अब चुपचाप खुश रहे, मैं खुद को यही बोलता हूँ। राइट राइट. तो ये मूवी में कितना टाइम लगा शूट वगैरह में, और पूरे मतलब पूरा जो अपना प्रोसेस था, कितना टाइम लगभग? भाई मैं बोल रहा हूँ, वी स्टार्टेड शूटिंग रफली इन नवंबर लास्ट ईयर, और हमारा अप्रैल में खत्म हुआ, बट थ्रू आउट शूट नहीं था राइट. ऑफकोर्स, मतलब नवंबर में ऐसे 10 दिन थे, फिर दिसंबर में 10 दिन थे, देन जैन वी हैड अ फ्यू डेज, फिर फेब फेब में भी थे कुछ दिन, और फिर मेनली मार्च में शूट हुआ। मेनली इन मार्च वी वर इन थाईलैंड फॉर अबाउट 25 डेज, राइट तो राइट. मेन स्केड वो था, मेन स्केड्यूल। सो या यार मतलब पकड़ लो 6 महीने तो लग ही जाते हैं। तो मतलब शूटिंग वगैरह इसी तरीके से चलती है क्या, कि 10 दिन हुई फिर कुछ ऐसे गैप के बाद में, या ऐसा रेगुलर चलता है? मेरे को एक आइडिया था, जैसे एक बार शुरू होता है तो लगातार चलता होगा, कि नहीं मतलब यार, रेगुलेंट. डिपेंड्स ऑन द शूट कंप्लीटली, डिपेंड्स ऑन द फिल्म, डिपेंड्स ऑन द कास्ट, डिपेंड्स ऑन किसकी डेट्स भी अवेलेबल है, राइट. कैसे शूट करना है। मतलब आइडियल सिनारियो में ऐसे ही होना चाहिए कि आप जाओ और 1-2 महीने में फिल्म पूरी शूट करके आ जाओ, राइट. बट कभी इट्स नॉट पॉसिबल यार, विद डेट्स, विद लोकेशंस। हमको थाईलैंड में भी शूट करना था, बॉम्बे में भी शूट करना था, तो थाईलैंड वॉज नॉट पॉसिबल इन डिसम्बर, क्योंकि वहां पे न्यू ईयर चल रहा था एंड राइट राइट फेस्टिविटी राइट. ऑल ऑफ दैट, तो बहुत सारी चीजें होती है यार। तो ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाता है, राइट राइट राइट. लाइक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आई वॉज शूटिंग अ शो 2-3 ईयर्स बैक कॉल्ड बार कोड, और सीन था कि मैं घर के अंदर आ रहा हूँ, ठीक है. ठीक है, बाहर कुछ बातचीत हुई और मैं दरवाजा खोलता हूँ और घर के अंदर जाता हूँ। राइट. अब अनफॉर्चुनेटली वो शूट काफी डिले हो गया था, अब बहुत कुछ चल रहा था बीच में, सो मैंने मई में बाहर का शूट किया और दरवाजा खोल लिया, अच्छा. घर के अंदर है ना, वो नवंबर में शूट हुआ, आप अच्छा. समझ रहे हो, तो वो सेम ही हाँ. था, बट इतना डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, बिकॉज योर लुक वुक तो कर लेते हो आप, हाँ दाढ़ी हाँ मैच कर लो, बियर्ड मैच कर लो, बट आपकी इमोशनल कंटिन्यूटी जो बोलते हैं ना एक एक्टर हाँ की, राइट. वो बहुत डिफिकल्ट होती है, बिकॉज मैं बाहर घर के चिल्ला रहा हूं या गुस्सा हूं या कुछ भी, वही इंटेंसिटी से फिर मुझे घर के अंदर आना है ना, राइट वरना वो राइट. कैसे लगेगा। सो वो एक बहुत डिफिकल्ट चीज होती है व्हेन यू आर एक्टिंग फॉर कैमरा, कि आपको कैसे अपने आप को, एंड दिस इज योर जॉब, लाइक मुझे फिगर आउट करना है राइट. ये तो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हेल्प कर लेंगे, बता देंगे, बट इट्स माय जॉब टू वॉच माय सेल्फ एंड सी कि ये मैं यहाँ ऐसा था और अब मुझे यही करना है, वरना राइट. नकली रहने वाला है यार वो। सो एक टाइम पे आया, आई विश यार सब कुछ एक ही टाइम पे शूट हो जाता, बट नहीं होता ऐसा। तो आपको पर्सनली कितना मतलब मुश्किल आती है वो कंटिन्यूटी को दोबारा से उसी चीज में रखने के लिए, अगर गैप हो जाए एक टाइम के बाद में? तो जैसे कई रोल्स तो ऐसे होते हैं कि चलो वहां पे उतनी ज्यादा सीरियसनेस नहीं भी है, बट अगर कुछ रोल्स ऐसे हैं जहां पे कि कुछ थोड़ा इंटेंस सा कैरेक्टर है, तो वहां पे आप कैसे अपने आप को मतलब वो करते हो, तैयार करते हो? यार आई टेल यू, डिफिकल्ट तो हर एक कैरेक्टर में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर इंटेंस नहीं है तो डिफिकल्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है हर एक कैरेक्टर में, क्योंकि क्या है ना, आप रियल लाइफ ट्राई कर रहे हो रेप्लिकेट करने को, रेप्लिकेट करने के. राइट. तो जितना आप ऑनेस्टली करोगे ना, वो
दिखेगा. सो आई थिंक फॉर मी एक्टिंग बहुत ही मतलब जर्नी हुई है. मतलब मैं अब जाके सीखा हूं कि एक्चुअली कुछ भी नहीं करना होता, राइट यू जस्ट ओके हैव टू बी योरसेल्फ. बट जब कैमरा स्विच ऑन हो जाता है ना, जैसे आपने बोला इंट्रो देना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, सो जैसे ही वो कैमरा का बटन चालू होता है ना, हमारे अंदर एक कुछ चेंज हो जाता है राइट और नॉर्मल नहीं हो पाते. लाइक द होल बैटल इज टू बी एब्सोल्यूटली नॉर्मल विद और विदाउट कैमरा. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. मैं तो नोट्स लेता हूँ, मतलब क्योंकि मुझे तो भूलने की भी आदत बहुत है, तो मैं इमोशनल में नोट्स लेता हूँ कि मैं ऐसा था और मैं ये कर रहा था और मैं ये उठा रहा था. लाइक लिटरली मुझे वो होता है ना, पैर के पैर ऊपर रख के बैठते हैं हम, राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर रखा. राइट अब शॉर्ट में मैंने लेफ्ट लेग राइट लेग पे रखा हुआ है. राइट राइट मैं तो एक चीज क्या है ना मेरी, मैं भूल जाता हूँ बट आई एम वेरी अवेयर. तो मैं सबको बोल के रखता हूँ कि भाई मैं भूलने वाला हूँ, आप लोग याद रखना. यू राइट नो राइट 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 एक कंटिन्यूटी का एडी भी होता है, तो उससे दोस्ती कर लो, वो बेस्ट चीज है. और वो फिर लाइफ सॉर्ट कर देता है. एंड यू नो लाइक आई थिंक जो आपका सवाल था कि आपको अगर प्रिपेयर करना है इसके लिए, यार आई थिंक प्रेपरेशन के लिए ना मैं जितना हो सके द मेंटल स्टेट ऑफ द कैरेक्टर में वो समझने की कोशिश करता हूँ कि ओके वो ये सीन में ये क्यों कर रहा है, बस वही इंपॉर्टेंट है. यू नो बिकॉज अगर आपको एक सीन मिलता है और वो है कि सोल्जर बॉर्डर पे जा रहा है, राइट अब ना तो मैं सोल्जर हूं ना तो मैं बॉर्डर पे गया हूं, राइट तो वो करने की कोशिश ही नहीं करूंगा. मैं उसका माइंडसेट समझूंगा. उसका माइंडसेट ये है कि वो अपने कंट्री से प्यार करता है और उसको अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है. अब मैं अपनी लाइफ में, रोहन अपनी लाइफ में किस चीज से प्यार करता है और किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बस वो रेप्लिकेट कर दिया वहां पे उस चीज को. एग्जैक्टली. बिकॉज नहीं तो वो झूठ हो जाएगा. अगर वो इमोशन सच नहीं हुई ना तो फिर वो झूठ हो जाएगा. यू नो सो आई जस्ट ट्राई टू कीप दैट इन माई माइंड. या तो मुझे 6 महीने दो और मैं कोई सोल्जर्स के साथ टाइम बिताऊं, देखूं सरहद कैसा होता है वो, बट वो उतना टाइम नहीं होता ना हर शूट राइट पे. राइट सो इट्स इजियर टू प्ले द इमोशन. इजियर तो नहीं कहूंगा, इट्स मोर स्मार्टर टू जस्ट गो आफ्टर द इमोशन. बिकॉज हम सब ने सारी इमोशंस फेस किए यार लाइफ में. राइट राइट ऑफ कोर्स कोई इमोशन नहीं है जो हमने शायद शायद वो डेप्थ में ना फील किया हो. यू नो अगर आपको अगर हेल्पलेस फील करना है तो शायद आप उस लेवल तक हेल्पलेस नहीं हुए हो जितना आपका कैरेक्टर हुआ है. बट वो उसमें घुसना वो आपकी कला है थोड़ी सी. यू नो तो यहाँ पे क्राफ्ट काम आ जाता है, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग बहुत काम आ जाती है. तो ट्रेनिंग में मतलब ये तो टेक्निकल पार्ट हो गया है ना, तो इस चीज में ये तैयारी करने में टेक्निकल एस्पेक्ट का और एक इंट्यूटिव एस्पेक्ट का, मतलब दोनों में बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो और कितना रोल होता है टेक्निकलिटी का प्लस एक इंट्यूशन का, कि जो हम इमेजिन करते हैं जो सोचते हैं उसका क्या क्या रोल रहता है? यार मैं अपनी पर्सनली हाँ बात हाँ करूँ, पर्सनली राइट. मैं सब कुछ टेक्निकल रिहर्सल प्रैक्टिस ये सब कुछ नोट्स लेना सब कुछ शूट पे जाने से पहले करता हूँ. राइट शूट पे मैं सब भूल जाता हूँ जितना मुझसे हो. लाइक आई डोंट ट्राई टू रिमेम्बर एनीथिंग. नाउ आई हैव रेड दैट, आई हैव बीन विद दैट फॉर अ मंथ अ वीक व्हाटएवर, नाउ आई एम ऑन सेट. राइट अब मेरे साथ एक्टर्स है, मेरे साथ डायरेक्टर है, अब जो वो बोलेगा अब मैं वही करूंगा. मुझे मेरा कैरेक्टर पता है एंड आई डोंट कीप थिंकिंग अबाउट इट. वो है मेरे अंदर, राइट, यू नो बिकॉज वो कहीं ना कहीं मेरा पार्ट है. सो नाउ आई विल बी वेरी मच, नाउ द टाइम कम्स टू बी इंट्यूटिव लाइक यू सेड, और इंपल्सिव और इम्प्रोवाइज एंड हैव फन विद इट. बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप वो मोमेंट को जियो. क्योंकि क्या पता है आपके जो सामने वाला एक्टर हो वो कुछ बढ़िया कर दे और आप राइट सोच, आप सुन ही नहीं रहे हो, राइट राइट सही. प्रिपरेशन में घुसे हुए हो. सो देयर वो फिर फ्लैट हो जाता है यार हमको ना. लाइक आई ऑलवेज बिलीव कि सीन अच्छा होना चाहिए, आपकी एक्टिंग अच्छी हो ना हो, ये सीन अच्छा हो गया ना तो सबको पसंद आएगा. राइट राइट. अभी ये जो आपने बात बोली ना, मैं किसी का इंटरव्यू पता नहीं धर्मेंद्र सर का सुन रहा था किसी का, उन्होंने बोला था कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्शन और रिएक्शन. जब आप मतलब कोई कैरेक्टर इस तरीके से जा रहा है कहीं पे परफॉर्म करने के लिए कि मेरे को तो बस अपनी लाइंस बोल देनी है, तो वहां पे तो बस वो इंतजार कर रहा है अपनी क्यू का कि कब वो डायलॉग खत्म हो सामने वाले के एंड से और मैं अपना बोल दूं बस सीधा. बट एक एक्शन रिएक्शन वाली बात उन्होंने बोली थी तो मेरे को वो कनेक्शन उससे फील हुआ आपकी बात का.
हाँ जी हाँ जी जरूर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेट पे ना कभी कभी मैजिक होता है, राइट और यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, क्योंकि आपकी सब प्रेपरेशन वो सब तो हो गई, बट अब जो दिखेगा वो बस ये है, ये कुछ घंटे जो कैमरा के सामने आप शूट कर रहे हो राइट बस वही दिखेगा, और उस टाइम पे आपको अगर कुछ भी फील हो रहा हो वो आप यूज कर सकते हैं। यही राइट यही मुझे ऐसा लगता है, यू नो, जो कम होता है कभी कभी। लाइक आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे अगर राइट बहुत ठंड है और अगर आपको ठंड लग रही है, और अगर कहीं पे भी मेंशन नहीं है स्क्रिप्ट में कि यहाँ ठंड है, गर्मी है, कुछ नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो वो ठंड को, राइट एंड द सीन विल ओनली चेंज, इट विल बिकम वेरी डिफरेंट। सो यू कैन यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस फ्रॉम अराउंड यू, फ्रॉम यू नो, जो जैसे आपका एक्टर कुछ दे रहा है आपको, या यू नो आपका डायरेक्टर कुछ बता रहा है जो आप उनको चाहिए, क्यों चाहिए, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और आपने जैसा आप मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था कुछ, तो मेरे को पता लगा आपने एक्टिंग थिएटर के आप स्टूडेंट रहे हो, और आपने बताया था कि आपके फादर भी जो है थिएटर करते थे। जी 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 ये सारा टेक्निकल क्राफ्ट को सीखने में वो थिएटर के टाइम का कितना बड़ा रोल रहा है, और किस तरीके से, मतलब कितना ड्रास्टिक चेंज होता है थिएटर वाले पूरा जो चीज चल रही होती है या जो सिनेमा के लिए एक्टिंग की जाती है, कितना डिफरेंस होता है, और किस तरीके से वो चीज हेल्प करती है टीवी एक्टिंग के लिए या सिनेमा एक्टिंग में। यार, आई थिंक थिएटर हैज रियली हेल्प मी इन द स्टार्टिंग। थिएटर क्या करता है, आपको ओपन अप कर देता है, आपके राइट कॉन्फिडेंस को थोड़ा खोल देता है, यू नो, लाइक आपको लगता है कि आप 10 लोग के सामने खड़े होके कुछ बोल सकते हैं। थिएटर ने राइट वो मेरे लिए किया, यू नो, इट गेव मी द कॉन्फिडेंस टू डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड यहाँ पे थिएटर एक डू। बार ही आपको रोकूंगा यहाँ पे, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि थिएटर ने आपको ओपन अप किया, तो मतलब क्या ऐसा था कि पहले आप उतने ओपन अप नहीं थे, या थोड़ा अपने शेयर, मतलब ऐसा था पर्सनालिटी। कम था, क्योंकि क्या है ना, हम सब में इनहिबिशंस होते हैं ना, आप कितने भी कूल हो या चिल्ड आउट हो या जो भी हो, जब 10 15 20 50 लोग सामने खड़े हो तो और अगर कॉन्शियस हो आपको जाता है रोना इंसान। है तो आप कॉन्शियस होगे। राइट अगर आपको जोर जोर से हंसना भी है तो आप 1 मिनट के लिए तो सोचोगे ना, यार क्या, मैं आई एम मेकिंग अ फूल ऑफ मायसेल्फ, यार ये क्या है, मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ, वो राइट आपकी जजमेंट आ जाती है, वो जजमेंट आएगी, वो नॉर्मल है, वो थिएटर ना निकाल देता है, क्योंकि मैंने ना नुक्कड़ नाटक किए राइट स्ट्रीट प्लेस, तो उधर तो आप खड़े होकर चिल्ला रहे लोगों पे, यू नो। राइट उसके राइट बाद मैंने सीरियस थिएटर भी किया ऑन स्टेज, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेस, आई ऑल्सो डिड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रंस प्लेस, एंड चिल्ड्रंस राइट प्लेस क्या होते हैं ना, उसमें बहुत ओवर द टॉप एक्टिंग होती है, एंड लाइक यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद योर एक्शंस, बिकॉज बच्चे इस सब पे हंसते हैं। राइट उसने ना मुझे बहुत ओपन कर दिया था, लाइक आई वाज लाइक अब तो ब्रो कुछ भी कर लूंगा मैं, यार राइट क्या कर राइट रहा हूँ मैं, यू हाँ नो। हाँ सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरे जर्नी का। अनफॉर्चुनेटली यार मैं थिएटर को परस्यू नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें ना पैसे बहुत कम है हमारे राइट हमारे इंडस्ट्री हमारे यू नो कंट्री में, थोड़े पैसे कम है, लाइक यू नो अगर ज्यादा होते तो मैं शायद थिएटर ही करता। राइट टेलिंग यू, एंड बिकॉज थिएटर में एक चीज है जो फिल्म में कभी आपको नहीं मिल सकती, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ऑडियंस का रिएक्शन। इमीडिएट राइट इमीडिएट, मतलब आपने परफॉर्म किया और ताली बज गई या कोई हंस, और वो इतना ब्यूटीफुल है ना, कोई भी आर्टिस्ट से आप पूछो, वो इतनी ब्यूटीफुल चीज है, जैसे आप अगर गाना गा रहे हो, कोई बोल दे वाह यार क्या गाना गाया, आपको इतना अच्छा लगता है ना, राइट सो दैट थिंग यू विल नेवर गेट इन फिल्म। बट व्हेन इट कम्स टू फिल्म यार, एक्टिंग वाइज ऐसे कुछ अलग नहीं है, ऐसा ओके कुछ भी नहीं है, लाइक यू नो, लाइक इट्स नॉट जस्ट मे बी वॉइस की प्रोजेक्शन होती है जो थोड़ी सी लाउडर होती है, कभी कभी आपके हैंड के एक्शंस होते हैं या बॉडी मूवमेंट्स होते हैं जो अलग होते हैं, बट जो इमोशन है जो या आपका थॉट है वो सेम राइट ही होता है हर ओके एक टाइप ऑफ एक्टिंग में। ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्ट रहना है, मतलब जो जो रोहन के इमोशन है वो बाहर आने ही पड़ेंगे, उसको राइट आप छुपा नहीं सकते, यू नो। तो वो एक्टिंग पर से सब जगह सेम, मुझे ऐसा लगता है कि सब जगह सेम ही होती है, बट कैमरा एक्टिंग इज वेरी टेक्निकल, यू नो, लाइक समटाइम्स यू हैव टू नो कि ये यहां से शूट हो रहा है हाँ और ब्लॉकिंग यही दिखेगा, तो वो सब करके पॉइंट ही नहीं है, अगर मतलब आप अपने हाथ पैरों से कुछ कर रहे हैं तो बट आपका कैमरा यही है, इतना ही दिख है। हाँ ही नहीं रहा है ना। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, लाइक हिटिंग योर मार्क, जब आप जाते हैं और आपको क्लोजअप पे जाना है,
अगर आप मार्क पे नहीं पहुंचेंगे तो आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे, राइट. तो कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो आप दिखोगे ही नहीं ना. सही बात है. हाँ तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकली. कंटिन्यूटी इज अनदर थिंग जो थिएटर में नहीं होती बट इसमें होती है. एंड डस्टिन हॉफमैन ने बोला था ये कि एन एक्टर्स जॉब एक्टिंग ऑन कैमरा इज मेंटेनिंग कंटिन्यूटी, दैट्स इट, नथिंग एल्स. So that's a very important thing again. So these three, four things are there which are different technically and this. But thought, जो सबसे main चीज़ है acting में, आपका inner thought, which makes you, मतलब life में भी ना आप कभी भी कुछ भी करो, पहले आप उसको अंदर करते हो ना, पहले आप सोचते हो कि मैं ये कटोरी उठाऊंगा, फिर आप कटोरी उठाते हो. राइट 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 राइट. मुझे मुझे एक टॉक याद आ रही है, मैंने अपने पिछले भी सेशन में बात करी थी उस चीज की. नसरुद्दीन शाह की मैं मास्टर क्लास देख रहा था, उन्होंने एक चीज बताई थी, तो उन्होंने भी ये चीज बोली थी. हाँ प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, आप बोल रहे थे कुछ. यस, ही इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज़ थिएटर में ये बहुत सीखने मिलता है. एंड यू नो देयर आर टू थ्री वेज ऑफ, इट्स बेसिकली कन्विंसिंग योरसेल्फ. राइट, अगर मैं बिलीव कर लूंगा तो ऑडियंस बिलीव कर लेगी. कितनी बढ़िया बात है. You have to make yourself believe कि अरे वो देख यार क्या मस्त लड़की चल के जा रही है वहां से यार, तो आपको दिख जाएगा. राइट राइट राइट, दैट इज इट. सो अदरवाइज एक्टिंग ऐसे थिएटर और कैमरा के लिए ऐसे अलग नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द सेम यार, लाइक इट्स जस्ट अ फ्यू टेक्निकल डिटेल्स जो आप सीख सकते हो. ओके. तो जैसे ना थिएटर की आप अभी बात कर रहे थे, तो मैं नसीरुद्दीन शाह सर का भी जैसे मैं बात कर रहा था अभी, तो उनके अंदर भी मैंने ये चीज़ देखी है कि वो नो डाउट कि एक्टिंग में तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, बट स्टिल वो थिएटर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. अभी भी वो थिएटर में ही अपने उनमें प्लेज में लगे रहते हैं. बट मैं बहुत साल पहले भी उनके इंटरव्यू सुनता था और अब भी देखता हूँ, तो और जैसे आपने भी अभी बोला कि इंडिया के अंदर हमारी कंट्री में थिएटर में उतना पैसा नहीं है, वट डू यू थिंक, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है, किस क्या मतलब यार ऑडियंस लोग की वजह से, कि अगर ऑडियंस ही नहीं हाँ है तो जाहिर सी बात है. ऐसे आप कुछ पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बट आई फील लाइक यार हम लोग सब जाते नहीं ना प्ले देखने, राइट, सही मतलब है. मैं आप कोई भी जाता नहीं है, सो कम जाते हैं. जैसे हम पिक्चर तीन चार पिक्चर देख लेंगे महीने में, राइट. बट हम शायद 6 महीने में एक प्ले देखेंगे, यू नो. सो वी आर ऑल गिल्टी ऑफ इट आई थिंक. एंड The other thing is theaters भी थोड़े से कम है, और it's difficult to put a play together, you know, 3-4 महीने लगते हैं, like you have to have that much time, patience and investment भी लगेगी. I don't know exactly क्या है, but overall वो it's just कम लोग वो कर रहे हैं, because it's easier now to be on camera, because digital हो गया है सब कुछ. It's not right, that right. expensive also. Actually, it's quite expensive to put a play up together also. और फिर rehearsals होती है 2-3 महीने, और उसके लिए भी you have to, like ideal world में तो आपको payment मिलनी चाहिए. जैसे I have a friend who does theater in London, वो Life of Pi का lead है, वो Pi है. Okay, okay. महीने के 5-6 लाख कमा लेता है यार rehearsal करके. राइट राइट. I'm not comparing the two. I'm saying ये difference है. मतलब हमको rehearsal के 1500 रुपए मिलते थे यार. राइट राइट. और वो भी चेक मिलता था. वो लेके जाओ बैंक में. वो कार डिपॉजिट करो यार, कैश ही देते यार, छोड़ दे मत दे यार. राइट राइट राइट. सो और आई आप, हाँ, थिंक और आपको लगता नहीं है मतलब कि ये सिनेरियो चेंज होने वाला है फ्यूचर में भी? यार आई होप हो, बिकॉज आई थिंक होगा. बिकॉज क्या है ना, बड़े बड़े थिएटर्स आ रहे हैं अब, जैसे आपने देखा NMACC में भी देयर इज अ ह्यूज परफॉर्मिंग स्पेस. सो जितने ऐसे परफॉर्मिंग स्पेसेस बने और जितने बड़े बड़े प्लेज हों, जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट हुआ था डिज्नी राइट का, राइट. अब वो शो, देयर इज अ प्ले गोइंग ऑन, मेरा फ्रेंड वहां पे अभी गया हुआ है प्ले में ही, वहां पे कुछ काम कर. राइट, तो हो रही है, अच्छी चीजें हो रही है, लाइक इट्स चेंजिंग एंड इट विल चेंज 100%. बिकॉज क्या है ना, थिएटर ऐसा आर्ट है जो कहीं जाएगा नहीं, बिकॉज वो जो लोगों को देता है वो अलग ही एक्सपीरियंस है. राइट, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम एनीथिंग. और आई थिंक वो वापस आएगा एक दिन, और बहुत ही बड़े तरीके से. बस हमको चाहिए यार कोई एक बंदा जो इन्वेस्ट करे थिएटर में, और
just takes it to another level altogether. वो missing है, you know, currently हमारा जैसे कितने सारे अलग अलग genre के films आ रहे हैं अभी, right? थ्रिलर से लेके हॉरर से लेके क्राइम से लेके, इंडिया में नहीं था ना पहले इतना डिफरेंट. जैसे यू नो अभी वो कोरा आया है, कोरा इज सच अ डिफरेंट शो, यू नो, एंड ऐसी सारी चीजें थिएटर में भी होती है. ओके, तो जैसे वो आने लग जाएगा, लोग एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, लोग देखने लग जाएंगे, तब मजा आएगा ना. बट उसके लिए आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज ऑफकोर्स के वी गेट सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन देयर. राइट राइट राइट. होपफुली मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं और एक दिन थिएटर खोल दूं. नहीं, वो भी हो जाएगा. बट लेकिन ओटीटी के आने के बाद में, जैसे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो वगैरह, मूवी मेकिंग, मूवी इंडस्ट्री के लिए तो मतलब बेटर ही हुआ है अगर सिनेमा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए. आपको क्या लगता है, मतलब कि क्या डिफरेंसेस आए हैं ओटीटी के आने के बाद में? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो शायद मेन स्ट्रीम हम जानते भी नहीं उन लोगों को, बट ओटीटी के आने की वजह से हम लोगों को जान रहे हैं और वो एक रीच बढ़ रही है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? I think it's great, यार. I think बहुत सारा काम है और सबके लिए काम है, which is great, which is very important, and अच्छी चीजें बन रही है. I'm just very excited about that, and I think ये COVID के 2 साल भी लोगों को just पता चल गया the importance of artists, right? क्योंकि सब घर पे बैठे थे, सबके पास एक ही चीज था, टीवी. और उन्होंने सब देख डाला और सबको समझ आ गया कि कंटेंट, आर्टिस्ट और आर्ट कितना इंपॉर्टेंट है. You know, मतलब हम जनरली आर्टिस्ट से फ्री में काम करा लेते थे यार पहले, बिल्कुल, एंड पीपल यूज टू डू इट ऑल्सो, बट आई थिंक वो जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ गई है अब, बिकॉज लोगों को समझ आ गया कि ऐसा नहीं है कि हमारे बिना चल जाएगा, नहीं चलेगा यार, यू नो. राइट. सो ओटीटी हैज गिवन दैट टू एवरीवन, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर इट. और कितना अच्छा अच्छा, यू नो, सच नाइस, लाइक आई सॉ दिस फिल्म कॉल्ड फ्राइडे नाइट प्लान रिसेंटली, ओके, नेटफ्लिक्स पे, जिसमें बाबिल है, और राइट. इतनी स्वीट फिल्म है यार. इट्स अबाउट अ वेरी स्मॉल इशू, मतलब ऐसे कोई बड़ी चीज के बारे में नहीं है, छोटे छोटे इश्यूज जो हमको स्कूल कॉलेज में होते थे ना, वो, और फील गुड. आप देखो 2 घंटे, मजा आ जाएगा, उसके बाद आप सो जाओ. लाइक इट्स फिल्म्स आल्सो कमिंग. हर चीज सीरियस होने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि आप ओटीटी पे अरे मर्डर मिस्ट्री बनाओ या ऐसा कुछ. समटाइम्स यू जस्ट वांट समथिंग which is fun, you know. Right, right. So, बहुत कुछ अलग अलग आ रहा है, which is great, यार. I really like that, and मुझे experiment करना in general भी बहुत पसंद है, with acting, with films. So, I'm very, very happy with this whole scenario. मैं आपका एक interview पढ़ रहा था, उसमें आपने बोलता है, you want to explore new characters that are like broken character. Why is that? ये मतलब ऐसा कुछ ऐसा fantasy है या क्यों ऐसा लगता है, सोचते हो आप? यार मुझे बस ऐसा लगता है कि मेरे खुद के लिए ना वो एक्सप्लोर करना अच्छा होगा, जस्ट बिकॉज वल्नरेबल या ब्रोकन प्ले करना मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है फॉर मेन इन जनरल, राइट? और हमारे कंट्री में तो और भी डिफिकल्ट होता है. एंड I've always wanted to explore that side of me. और मेरा कोई भी ऐसा होता है ना, तो I first like to explore it in my art. Right. क्योंकि क्या है, life में वैसा होना थोड़ा ज्यादा difficult होता है. But when you have a space, जैसे आपके पास अपना poetry है, या आपकी film है, या आपकी acting है, तो आप वहां पे निकाल सकते हैं बहुत कुछ. You know, you can take out a lot of frustration, sadness, anger, बहुत कुछ जो भी है आपके अंदर, right? वो art is the correct place to remove it. जैसे बोलते हैं ना यार, I don't know if I'm explaining this correct, but बोलते हैं ना कि जब दिल टूटता है ना तो आदमी सिंगर बनता है. हाँ, वो rockstar movie में था वो dialogue ना. Correct, exactly. So, you know, and I just feel like वो इतना explore नहीं हुआ है, you know, like that heartbroken or like the broken sort of person who is very vulnerable and soft. I think that is less explored in Indian cinema, in guys, of course, right. But वो थोड़ा सा कम है. नहीं, ये बात से मेरे को भी एक similarity, मतलब मैं भी जब उस phase से गुजर रहा था life में, breakup वगैरह,
तो उसके बाद में मैंने भी लिखना शुरू किया। उसके पहले तक मैं लिखता था बट वो ऐसा ही था, कभी लिख लिया कभी हो गया। अभी क्या है कि मतलब हर कुछ कुछ टाइम बाद पोइट्री तो ऐसा है कि इंग्लिश में हिंदी में जो भी मन करे तो लिखता हूँ। और एज एन इंट्रोवर्टेड इंसान, मैं बहुत इंट्रोवर्टेड इंसान भी हूँ, तो इतना ज्यादा एक्सप्रेस लोगों के साथ में नहीं भी कर पाता, बट उस आर्ट फॉर्म के थ्रू, पोइट्री के थ्रू लिख दिया तो ऐसा लगता है कि यार कुछ बात कह करके छोड़ दी, बार हटा दी, अपने वो बोझ आपने निकल जाता है। रिलीज कर दिया ना वो, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने राइट 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 रिलीज कर दिया, आप उसको अंदर पकड़ के रखोगे तो वो 5 साल बाद वापस आएगी। ना आए तो बढ़िया है। हाँ, यू हैव टू लेट गो ऑफ दीज थिंग्स इन आर आर्ट, एंड वी आर सो लकी दैट वी आर आर्टिस्ट दैट वी कैन डू दिस। नॉट एवरी राइट वन कुड, यू नो, सो वी मस्ट डू इट। लाइक ऑल द ग्रेट पोएट्री राइटर्स, आप पोएट्री लिखते हैं तो आपको बुकोव्स्की पता होगा। अरे मैंने कल ही बुकोव्स्की की एक पोइट्री मतलब रिकॉर्ड करके अपलोड करी इधर मेरी इंस्टा। फेवरेट अरे पोएट्री, भाई मजेदार मजेदार, प्लेजर तो टू डेफिनेटली। मैं भी पोएट्री लिखता हूँ और मैं राइट आपके साथ नोट शेयर करूंगा जरूर एक दिन, अरे मजा आएगा मजा आएगा। एक दिन। बट लाइक बस मैं भूल गया हम किस चीज के बारे में बात कर हम रहे थे। हाँ, पोइट्री और वो एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे कि वो निकल गया आउटलेट। हाँ आई थिंक इट्स ग्रेट दैट वी हैव दिस आउटलेट, नो। राइट राइट राइट। और मैं आपका ना एक वो देख रहा था, एक इंटरव्यू में देख रहा था आपका, उसमें आपने एक लाइन बोली कि एक्टिंग इज नॉट माई एंटायर लाइफ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत लोग ना अपने किसी भी आर्ट फॉर्म में, एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, कोई भी काम करते हैं उसके लिए बहुत इम्पल्सिव से होते हैं कि किसी काम में लग गए, हर टाइम उसमें घुसे पड़े, उनका पूरा जो लाइफ का एंटायर जो वो रहता है ना, वो उसी के अराउंड घूमता रहता है। बट मैंने ये आपकी जब बात सुनी तो मेरे को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो भी थिंकिंग आपके अंदर आई होगी इस तरीके की, मतलब अब जो आई है, जो आपने ये बात बोली, तो ये एक एक्सपीरियंस के बाद आई है इतने सालों के, ये शुरुआत में ही आपने ये डिस्टिंक्शन बना लिया था कि भाई एक्टिंग जो है मेरी लाइफ में सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, मेरी एंटायर लाइफ नहीं है नहीं वो। यार, बहुत बहुत मार खा के सिखाऊं मैं ये। एक्टिंग वाज एवरीथिंग फॉर मी, इट वाज माय होल लाइफ। एंड 2-3 साल पहले ही मुझे एक्चुअली ये रियलाइज हुआ कि इट विल कंज्यूम मी अगर मैं यही करता रहूंगा ना। तो क्या है ना यार, लाइफ भी तो जीनी है ना, राइट और लाइफ में एंजॉय भी तो करना है ना। इट्स नॉट लाइक अगर आपके एक्टिंग में कुछ फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप बाकी की लाइफ को साइडलाइन कर दो, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप्स, अपना सब कुछ राइट साइड कर दो। क्यों? क्योंकि मेरी एक्टिंग नहीं हो रही। अरे नहीं यार, ऐसे करेंगे तो एक्टिंग नहीं होगी, बिकॉज एक्टिंग इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग लाइफ। राइट तो जितना मैंने रियलाइज किया कि मैं अपनी लाइफ में फोकस डाल रहा था, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेशनशिप्स को का ख्याल रख रहा था, उतना मेरी एक्टिंग बेहतर हो रही थी ओके देन एनी एक्टिंग कोर्स। क्योंकि क्या है ना यार, जब जब हर एक चीज आपकी लाइफ में सेंटर्ड अराउंड वन थिंग, तो उस चीज पे इतना प्रेशर आ जाता है कि आप खुद ही ना यार फिर बोलते हो यार ये एक ऑडिशन में बस मैं आज तोड़ दूंगा, मैं फाड़ डालूंगा यार, राइट बट राइट ना। सामने वाले को शायद कुछ और ही चाहिए हो, फिर आपको वो राइट नहीं, तो आप इतने डिसअपॉइंट हो जाते हो कि आपका पूरा वर्ल्ड कम्स क्रैशिंग डाउन। फिर आप मम्मी पे भी गुस्सा हो जाते हो और अपने दोस्त पे भी चिल्ला देते हो और सब खराब हो जाता है। राइट बट राइट राइट अगर आप उस चीज पे इतना प्रेशर नहीं डालेंगे और जस्ट ट्रीट करेंगे उसको एज पार्ट ऑफ योर वर्क, यार वो मेरा काम है, वो मैं करता हूँ, और राइट जब मैं नहीं कर रहा हूँ तब मैं चिल कर रहा हूँ यार, मैं यू नो बैलेंस ढूंढ रहा हूँ, तो राइट वो राइट ऑटोमेटिकली उस पे से प्रेशर हट जाता है, प्लस आपको भी इतना बुरा नहीं लगता है। सो बिकॉज यार एक्टिंग में ना एक चीज है, रिजेक्शन इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। यू ओके हैव टू गेट यूज टू रिजेक्शन वेरी अर्ली। क्योंकि मैंने अभी तक, मैं बोल रहा हूँ 9-10 साल हो गए मुझे एक्टिंग करते हुए, मैंने 1,500-2,000 ऑडिशन दिए, मैं पढ़ रहा था, ऑडिशंस बहुत दिए आपने बता रहे थे आप। बहुत दिए, और उसमें से मुझे 10% काम मिला यार। ओके तो मतलब मैं ऑलमोस्ट 1,000-1,200 बार मुझे ना बोला गया है। आफ्टर अ पॉइंट टू टेक दैट बिकम्स डिफिकल्ट, वो साइकी के ऊपर क्या करता है बेसिकली, मैं इतनी बार नो लेने का मतलब है कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। बिकॉज आपको जैसे मैंने बोला रिजेक्शन एवरी डे, इट्स लाइक आप जॉब इंटरव्यू पे जाते हो आपको ना बोलते हैं, बट आप रोज जाते हो और रोज ट्राई करते हो, रोज ना बोलते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट और शुरुआत में ना मैं ऐसा था कि थिक स्किन बन जाते हो आप, मुझे कुछ अफेक्ट नहीं करेगा,
अब कुछ भी कर लो, मेरे को कितनी बार भी मना कर दो, मैं मुझे कुछ नहीं होता, मैं मुझे करना है, मैं यू नो पैशन एक्टिंग करना है. राइट बट आफ्टर अ पॉइंट आप रियलाइज कर दे हो कि यार थिक स्किन अगर हो जाओगे ना तो आपकी जो इमोशंस, जो सेंसिटिविटी है, जो एक्टिंग के लिए जरूरी है, राइट वो कहाँ से बाहर निकालोगे? हम्म क्योंकि आप तो किसी चीज को अपने आप को अफेक्ट ही नहीं करने दे रहे हो, तो आप तो राइट पत्थर बन रहे हो. पत्थर से क्या एक्टिंग कराओगे? सही बात है तो राइट बुरा लगना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके साथ पेन आएगी, बट वो ठीक है ना यार, क्योंकि आपका प्राइस भी उतना ही अच्छा है. तो राइट समटाइम्स यू हैव टू गो थ्रू इट, यू नो. एंड मैंने क्या किया ना, आई स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ इन प्लेसेस. लाइक मैं हर एक ऑडिशन नहीं दे देता हूँ अगर मुझे ओके लगता है कि यार ये शायद मैं नहीं इंटरेस्टेड हूं इतना, या ये राइट शायद पार्ट मेरा थोड़ा सा ज्यादा ही दूर है, या ये मुझे नहीं करना, तो फिर मैं बोलता हूँ नहीं यार ये नहीं करता हूँ ना, ओके क्यों अपने आप को पुट थ्रू करूं, फिर शायद नहीं मिले. फिर ऐसा नहीं है कि हर चीज कर लो, राइट 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 यू हैव टू बी सिलेक्टिव, क्योंकि आपको भी पता होनी चाहिए आपकी जर्नी क्या है, आपको क्या चाहिए. राइट 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 तो मतलब आप अभी अभी कैसे, किस तरीके से सिलेक्शन करते हो, जिस तरीके का आपको काम करना है या जो चीज छोड़नी है, मतलब वो पोजीशन पे आप मतलब क्या लगता है, आ गए हो कि जहाँ पे रिजेक्ट रिजेक्ट भी कर देते हो कई सारी उनको, व्हाट डू यू थिंक? यार पता नहीं यार वो पोजीशन कब आती है, आई डोंट नो इन लाइफ, बट मैं तो हमेशा से ही ऐसा रहा हूँ. आई डोंट नो ये क्या है, शायद मेरा प्रिविलेज भी है, मैं हूँ राइट अच्छे थोड़ा फैमिली से, मैं हूँ, ओके मैं अच्छा बड़ा बड़ा हूँ, और अकेले मैं बॉम्बे से ही हूँ, सो आई हैड द कंफर्ट ऑफ अ होम. बट मुझे हमेशा से ना लगा है कि मेरी एक कुछ वैल्यू है, कि मैंने ट्रेनिंग की है, मैं मेहनत करता हूं और मैं कुछ लाता हूं ऑन द टेबल, मैं राइट क्यों करूं काम जो मुझे नहीं करना. सो आई ऑलवेज हैड दैट कि यार अगर ये मुझे नहीं करना है तो वो कोई रीजन है मेरा, तो राइट फिर मैं बड़े प्यार से, ऐसा नहीं कि नहीं काम, बड़े प्यार से मना कर देता था. फिर मुझे लगा कि यार लोगों को तो बुरा बुरा भी लग जाता है हाँ, मैं वही यार. पूछने वाला था क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ में बहुत रही है, मेरे को ना बोलने की मतलब नहीं बोला जाता बिल्कुल भी नहीं, हमेशा ऐसा लगता है बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट वो ना नहीं बोलो ना तो उल्टा और चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है यार. हाँ, लॉन्ग लॉन्ग रन में तो हाँ राइट हाँ, और यार अब जब पीछे देखो ना तो सब लगता है कि यार सब कुछ लॉन्ग रन के लिए करना चाहिए, शॉर्ट राइट के लिए कुछ मत करो यार, राइट बिकॉज राइट बहुत इंपॉर्टेंट है ना बोलना और अपनी बाउंड्रीज जानना. बिकॉज आप अगर अनकंफर्टेबल होके कुछ करेंगे ना तो उसमें आप 100% नहीं कर पाओगे, राइट हमेशा एक वो चीज रहेगी जो पकड़ के रखेगी आपको. और एक मेरी फ्रेंड है एक्टर यशस्विनी, उसने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी. उसने बोला यार देख रोहन, अगर तेरे को कुछ नहीं करना है ना, राइट बट 5-6 दिन का शूट है और अच्छे पैसे मिल रहे हैं और तू कर लेता है तो वो वहां खत्म नहीं होता, उसके बाद उसकी डबिंग भी होगी, उसके बाद वो रिलीज भी होगा, उसके बाद वो पूरी तेरी लाइफ भर इंटरनेट पे रहेगा. राइट सो वो चीज याद रख के 10 साल बाद जब तू कुछ अलग हो जाएगा एंड यू विल बिकम समथिंग, विल यू लुक बैक एंड से कि यार ये मुझे करना चाहिए था? तो इट्स सच अ नाइस वे ऑफ लुकिंग एट इट कि यार राइट आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए वो थोड़ा सा सोच लो. आपको पीछे देख के लगना चाहिए कि यार ये था जो मैंने किया, और कभी कभी राइट मिस्टेक्स होती है यार, गलतियां राइट तो होती है, बट अगर आप अनकंफर्टेबल हो ना या आपको नहीं करना है तो वो बोल दो खुल के. मुझे ऐसा लगता है कि उसको अंदर मत रखो, वो फिर आप आधा करोगे. राइट राइट मेरे को ना अपने एक मेंटोर की याद आ गई। मैं मुझे याद है कुछ टाइम पहले जब मैंने फोटोग्राफी, मैं वैसे प्रोफेशनली मैं फोटोग्राफर हूँ, फाइन आर्ट फोटोग्राफर और पोर्ट्रेट फोटोग्राफर। तो जब मैंने इंटर्नशिप किसी के पास में शुरू करी थी ना, तो वहाँ पे क्या है कि वेडिंग वेडिंग शूट करने लग गए थे वो लोग, और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आता था, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट और उस तरीके की फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। तो उन्होंने मेरे को उस एक टाइम पे ये सेम बात बोली थी कि यार विपिन एक बात तो याद रखना, तुम यहाँ से तो जा रहे हो लेकिन जितना ज़रूरी कोई किसी काम को लेना होता है ना, उतना ज़रूरी, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप किस काम को ना बोलते हो, क्योंकि जो काम आपके हाँ बोलते रहते हो उसी से आपकी एक इमेज भी बनती रहती है हर जगह पे कि भाई ये इस तरीके का काम करता है, ये यार वो आप हटा नहीं सकते अपने उससे, उस चीज़ करेक्ट, को वो रहेगी आपके साथ में। हाँ 100% यार वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और वो इमेज तो ठीक है यार, यार देखो बाकी सबके लिए तो ठीक है,
मुझे लगता है अपने लिए ही होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट, राइट बिकॉज आप यू बिकम अ सर्टेन एज ना, देन लुकिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर और लुकिंग बैक, यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर लाइफ, और वो कुछ भी जर्नी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप मिलियनेयर बन गए, सक्सेसफुल बन गए तो आप खुश हो गए, नहीं। यू हैव टू बी प्राउड ऑफ थिंग्स यू डिड, एंड समटाइम्स यू आर वेरी प्राउड ऑफ अ नो दैट यू सेड, राइट। वो इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू बी हैप्पी विद द डिसीजंस यू मेक, यू नीड टू बी सैटिस्फाइड बाय दोस डिसीजंस, यू नो। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब कुछ लाइफ में अपने लिए करते हैं, राइट। और झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो खुद से तो कभी नहीं बोलना चाहिए यार, बिकॉज बाकी सबकी इमेज तो ठीक है, सोसाइटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप खुश हो ना वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो आई ट्राई टू कीप द फोकस मी, एंड आई नो इट्स सेल्फिश, बट आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम नॉट हैप्पी माई सेल्फ, आई कैन नॉट मेक एनी वन हैप्पी। राइट राइट राइट। बट इस चीज में डिफरेंस आप कैसे मेंटेन करते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि इफ आई एम नॉट हैप्पी आई विल नॉट बी एबल टू मेक एनीबॉडी एल्स हैप्पी, बट कुछ रोल्स ऐसे होते हैं या कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आपको अपने आप को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल करके ग्रो करना पड़ता है। मतलब अक्सर ये एक एडवाइस भी दी जाती है कि भाई कंफर्ट जोन में रहोगे तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे खुद को, तो इन दोनों चीजों में कैसे आप डिफरेंस मेंटेन करते हो कि यार ये ठीक है मेरी खुशी का काम है बट ये अब मेरे लिए रेपिटेटिव हो रहा है और मेरे को शायद कुछ और अब करना चाहिए इसके ऊपर, तो मैं जाऊं वो जंप लूं या ना लूं, वो आप कैसे डिसाइड करते हो? यार प्रोसेस है, मैं भी फिगर आउट ही कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं कि हर चीज सॉर्टेड है, बट मैं ट्राई करता हूँ कभी कभी अपने आप को भी इनकन्वीनियंस करके, जैसे आपने कहा अनकंफर्टेबल करके राइट कोई चीज करूं, बट मुझे ऐसा लगता है यार जनरली कि वो बैलेंस की बात ही नहीं है यार, इट्स अबाउट एंड में अंदर से आपको अगर वो फील नहीं आ रही है ना तो राइट फिर मत करो यार, अनकंफर्टेबल होके कोई फायदा नहीं है। ग्रोथ यार, ग्रोथ मुझे लगता है इंटरनली होती है, अपने आप के साथ बैठ के होती है, मुझे ऐसा लगता है। राइट, मैं राइट, और राइट। बात नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है जब आप अकेले बैठते हैं और सोचते हैं और कुछ नहीं करते हैं ना, तभी आपकी सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, राइट क्योंकि तब आप बहुत ही एक मेडिटेटिव स्टेट में हो। जैसे मैं मेडिटेट बहुत करता हूँ, मुझे ऐसा अच्छा लगता है अपने आप के साथ बैठना और सीखना कि मैं क्या क्या, व्हाट ऑल हैव आई बीन थ्रू इन माय लाइफ, राइट। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट ग्रोथ। और कोई भी ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल के अपने आप को जो किया है वो बहुत ही टेम्पररी ग्रोथ होती है, यार मैं कुछ सीख लेता हूँ या कुछ सीख लेता हूँ, बट जो एक्चुअल ग्रोथ है, मतलब राइट, ऑफ मेकिंग डिसीजंस और ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डू, राइट, वो अकेले में ही होती है, सन्नाटे में अकेले। हाँ, अभी अपने बुकोवस्की की वो बुक दिखाई, मैं जिस पोइट्री की बात कर रहा था मैंने कल रिकॉर्ड करी, वो थी गो ऑल द वे, सुनी होगी आपने, बड़ी मजेदार, उसमें भी इसी के अंदर है। हाँ, मैं वहां पहुंचा नहीं हूँ। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं पता कि ये इस वाली बुक में है कि नहीं, बट मैं पोइट्री का नाम बता रहा हूँ, इफ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग गो ऑल द वे, ऐसे करके है, मैंने वो कल रिकॉर्डिंग करी थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सुना दो। अच्छा, सुनाऊं? एक ने, मिनट, अरे मुझे फिर, रिकॉर्डिंग लाइव सुनाओ यार। हाँ नहीं, मैं मेरे को वो करनी पड़ेगी ना, निकालनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ, पक्का पक्का पक्का, नहीं अगर बोलनी है तो मैं सुना सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका ही पॉडकास्ट है। चलो एक मिनट मैं करता हूँ। मैंने सब पहले वो सुनी थी, आपने लेक्स फ्रीडमैन का नाम सुना है, पॉडकास्ट करते हैं? नहीं यार, अच्छा, तो उन्होंने वो करी थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो पोइट्री, गो ऑल द वे। शायद आपने सुनी तो होगी। हाँ, तो ये ऐसी है, इफ यू आर गोइंग टू ट्राई गो ऑल द वे, अदरवाइज डोंट इवन स्टार्ट, दिस कुड मीन लूजिंग गर्लफ्रेंड्स वाइव्स रिलेटिव्स एंड मे बी इवन योर माइंड, इट कुड मीन नॉट ईटिंग फॉर 3 or 4 days, इट कुड मीन फ्रीजिंग ऑन अ पार्क बेंच, इट कुड मीन जेल, इट कुड मीन डेरिजन, इट कुड मीन मॉकरी, आइसोलेशन, आइसोलेशन इज द गिफ्ट, ऑल द अदर्स आर अ टेस्ट ऑफ योर एंड्योरेंस, ऑफ हाउ मच यू रियली वॉन्ट टू डू इट, एंड यू विल डू इट डिस्पाइट रिजेक्शन एंड वर्स्ट ऑड्स, एंड इट विल बी बेटर देन एनीथिंग एल्स यू कैन इमेजिन।
if you're going to try, go all the way. There is no other feeling like that. You will be alone with the gods and the nights will flame with fire. You will ride life straight to perfect laughter. It's the only fight there is. ये करके कुछ थी वो. Wow, यार. So nice. मतलब आदमी जीनियस था यार. हाँ. मतलब to write such amazing poetry. एक तरीके से पेन को भी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाना भी मतलब अपने आप पे बहुत वो बात है ना कि बहुत लोग तो ऐसा है कि सरफेस लेवल पे टच करके निकल जाते हैं वो डेप्थ में फिर अपने आप ही को तो, मैं कुछ टाइम पहले ना गुलजार सर का एक वो देख रहा था राज्यसभा टीवी पे ना एक शो आता था गुफ्तगू के नाम से तो उसके एंकर हाँ उसके जो एंकर थे सैयद इरफान सर मैंने उनके साथ में भी एक सेशन किया था कुछ टाइम पहले तो वो गुलजार सर का इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने बोला उनसे पूछा सवाल कि आपकी पोइट्री में ना बहुत दर्द होता है ऐसा लगता है कि मतलब दूसरों को दुख और दर्द देने का आपने जिम्मा उठा रखा है तो उन्होंने एक लाइन बोली गुलजार सर ने मेरे को अभी तक वो याद है उन्होंने बोला कि यार आप पढ़ रहे हो आपको दुख हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको दुखी कर रहा हूँ बट इनफैक्ट मैं दुखी हूं मैं तो अपना दुख एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं आपके लिए थोड़ी कुछ कर रहा हूँ यस यस इतनी मजेदार बात है वही चार्ल्स बुकोव्स्की की मैंने इतनी पोइट्री जो सुनी है मतलब कितना पेन है उनमें आपने यस कब मतलब वो किया था एक्सप्लोर करना शुरू किया था बुकोव्स्की तो मतलब पोइट्री में आप रहे हो पहले से स्टार्ट मतलब इंटरेस्ट रहा है 3-4 साल हो गए ओके ओके तो सीरियसली स्टार्टिंग हिंदी वगैरह से ही हुई है डायरेक्ट फिर ऐसे इंग्लिश वगैरह की पोइट्रीज या इंग्लिश में ही लिखता हूँ मतलब आई ओके एम एक्चुअली राइटिंग अभी बहुत ही शुरुआत का स्टेज है बट आई एम ट्राइंग टू राइट अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स अ बुक ओके ओके तो मैंने 50-55 लिख दिए हैं और ओ हाँ सो मेरी स्टार्ट ही बुकोव्स्की से हुई थी एक्चुअली कुछ साल पहले यही बुक मुझे एक फ्रेंड के घर पे मिली और मैंने एक पोएम पढ़ी और मैंने बोला ये क्या है ब्रो मजा आ गया ये क्या है ये मैं लेके जा रहा हूँ बोला ले जा मैंने आज तक वापस नहीं दिया आई होप कोई देखे हाँ बट बस उसके बाद जस्ट रीडिंग बुकोव्स्की मैंने बोला यार ये तो बहुत ही बढ़िया है एंड आई हैव टू लाइक आई फील लाइक एक्सप्रेसिंग लाइक दिस यू नो जो एंगर है वो जैसे आपने कहा इतनी ब्यूटिफुली करता है वो एक्सप्रेस राइट और बस मैंने शुरू कर दिया यार एक दिन मैं गुस्से में था किसी भी चीज पता नहीं क्यों और मैं लिखना चालू कर दिया और फिर कुछ निकला और फिर मैंने एक दो लोगों को पढ़ाया बोला तो अच्छा है फिर मैं लिखता गया राइट एंड इट जस्ट बिकेम एन आउटलेट यू नो लाइक आई वाज एंड देन आई जस्ट मेड इट अ कलेक्शन एंड यू नो जस्ट स्टार्टेड राइटिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड आई रियलाइज्ड के जब ऐसे बहुत ही इमोशन निकलते हैं बाहर तो लिखना बहुत अच्छा होता है चाहे राइट वो पोएट्री हो या जस्ट राइटिंग हो कुछ भी हो उससे वो रिलीज मिल जाता है यू नो और फिर आप लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते सो राइट दैट्स जस्ट बीन माय जर्नी विद पोएट्री तो आपकी मतलब प्रोसेस लिखने की अगर मैं बात करूं तो रेगुलर ऐसे लिखते हो या जब कभी भी ऐसा कुछ इंस्पिरेशन या कुछ ऐसा फील हो गया तो लिखने बैठ गए जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तब तो हमेशा लिखता हूँ और या तो जब मैं बहुत रिलैक्स्ड होता हूँ जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ या तो जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ ये दो टाइम ओके नॉर्मल लाइफ में मैं नहीं लिखता राइट 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 दैट्स इट बट हाँ जब ऐसे इंस्पिरेशन आती है तो मैं एक ही गो में लिखता हूँ मतलब मुझे ऐसे टाइम नहीं लगता मतलब मैं 5-10 मिनट में पोएम लिख देता हूँ फिर उसको एडिट बाद में करता रहता हूँ बट वो थॉट निकाल लेता हूँ बाहर राइट 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 तो जैसे पोइट्री की आप बुक्स की बात कर रहे हो वैसे इन जनरल आपको बुक्स में इंटरेस्ट रहता है पढ़ते वढ़ते हो या सिर्फ यार पोइट्री मैं की पहले बहुत पढ़ता था अब तो सिर्फ पोइट्री पढ़ता हूँ ओके 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 और और फिल्म के साथ हाँ और फिल्म के साथ में जो आपका एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल एज एन एक्टर आप एक्टिंग कर रहे हो अभी इस टाइम पे बट एक व्यूइंग एक्सपीरियंस जो होता है हमारा फिल्म के साथ में जब हम देखना शुरू करते हैं किस तरीके की मूवीज आपको पर्सनली देखने में पसंद है यार मुझे ऑल काइंड्स ऑफ मूवीज पसंद है सबसे ज्यादा बोलूं मैं तो मुझे मूड स्पेसिफिक है बट थ्रिलर्स बहुत पसंद है थ्रिलर्स लाइक आई रियली लाइक टू वॉच गुड थ्रिलर्स लाइक एंड आई आल्सो रियली लाइक टू वॉच वेरी स्टूपिड कॉमेडी फिल्म्स ओके जैसे ओके मतलब वेलकम टाइप्स आवारा हाँ पार्टी दीवाना मेरी फेवरेट मूवी है राइट 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 और एडम सैंडलर सेथ राइट रोगन वाला राइट भाई भी बहुत पसंद है विल फरेल की मूवीज तो मैं हंस हंस के पागल हो जाता हूँ यार
बट थ्रिलर्स भी बहुत पसंद है और ऑफ कोर्स रोम कॉम्स आल्सो आई लाइक टू वॉच समटाइम्स, ऐसा कुछ नहीं, बट नाउ डेज आई हैव बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ फील गुड कॉन्टेंट. ओके टेड लासो. ओके राइट राइट सुना है. जिससे मतलब दिल खुश हो जाए यार, जैसे लगे कि वाओ ये क्या मस्त चीज है यार, यू नो. और ऑल्सो आई ऑल्सो रियली लाइक वॉचिंग आई डोंट नो वो जॉनर क्या होता है, बट लाइक जैसे द बेयर करके एक शो है, उसका जॉनर ही क्या है मुझे नहीं पता, बट वो राइट 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 स्टफ दैट्स वेरी स्ट्रेसफुल टू वॉच. मतलब टेंशन हो जाती है ना यार, मुझे राइट राइट वो राइट बहुत पसंद है. टेंस, आई गेस टेंस ड्रामा बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ. ओके सो आई लाइक ओके वॉचिंग. तो पिछले कुछ टाइम में मतलब आपने कुछ देखी हो मूवीज, तो कुछ मतलब बताओ सजेशंस वगैरह. यार द बेयर जरूर देखना, ओके द वर्ल्ड, इट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट शो, आई एम नॉट द जोकिंग बेयर. मैन. ओके द बेयर हॉटस्टार पे था, अब तो नहीं है शायद, बट हुलू हुलू का शो है. जस्ट इट्स पागल हो जाओगे आप. ओके ओके राइट. और टेड लासो जरूर देखना. ये दोनों तो शोज हो गए. और फिल्म्स मैंने अमेजोन पे 13 Lives देखी थी, बहुत ओके अच्छी लगी थी. फ्राइडे नाइट प्लान मैंने बताया आपको. राइट और मैंने रिसेंटली यार पहले लास्ट पूरे सितंबर में मैंने कुछ पिक्चरें ही नहीं देखी, टाइम ही नहीं मिला है मुझे. मैं रॉकी की सीरीज वापस देख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 देख रहा हूँ. ओके ओके बट रिसेंटली मैंने क्या देखा था यार, याद ही नहीं आ रहे. मैंने मैंने अभी लास्ट टाइम एक मूवी देखी कुछ दिन पहले ही, ईरानियन मूवी है, थ्रू द ऑलिव ट्रीज. ओके आपको पता है मतलब इसके बारे में? नहीं, मैंने सेपरेशन देखी है ईरानियन, ओके ओके राइट 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 बट ये वाली नहीं देखी है. बट जरूर ऐड कर दूंगा मैं लिस्ट में. आई सॉ एन इंडियन फिल्म एक्चुअली कॉल्ड गोल्ड फिश, विच ओके यू मस्ट वॉच इफ यू नॉट सीन. इट्स रिसेंटली रिलीज इन थिएटर्स. इट्स दीप्ति अच्छा नवल एंड कल्की, हाँ हाँ और मुझे पता है. हाँ बेस्ट मूवीज आई हैव वॉच्ड इन इंडिया, आई एम टेलिंग यू. इतनी ब्यूटीफुल. इट्स अबाउट अ मदर डॉटर रिलेशनशिप, राइट और जो मदर है उसको अल्जाइमर्स होता है, ओके बट वो फिल्म सैड नहीं है. ओके वो खुशी की फिल्म है. आप राइट शॉक हो जाओगे, मतलब इतनी ब्यूटीफुल फिल्म है, और एक सेकंड के लिए आप बोर नहीं होगे. मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग, बहुत ही बढ़िया. प्लीज देखना वो फिल्म. राइट 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 जरूर देखूंगा जरूर देखूंगा. और कोई सजेशंस मतलब, और आपने कुछ ऐसी मूवीज की, अगर मैं बात करूं सीरीज को हटा दें मूवीज. यार मूवी में कोई याद ही नहीं है मैंने क्या देखा था लास्ट. आपने जोकर देखी थी जब जोकर आई थी? बहुत पहले की बात है बट मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, ऑफकोर्स जोकर तो वो कैसी लगी थी आपको? यार मुझे उसकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी. मैं थोड़ा डर गया था, वो एक्टिंग तो कर ही नहीं रहा था, वो तो असली था. बट मुझे फिल्म थोड़ी सी प्रीक लगी थी. थोड़ी सी ओके ऐसा लग रहा कि यार ऐसे तो कोई भी उठ के क्रिमिनल बन जाएगा, सबकी लाइफ, यू सब नो व्हाट आई पॉजिटिव मीन. पॉजिटिव पर्सोनिफिकेशन एक तरीके से हो रहा था उसका ऐसा. हाँ मतलब हाँ एग्जैक्टली, उसको ग्लोरीफाई कर दिया था थोड़ा सा, यार ग्लोरीफाई. मार रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो वो ये कर सकता है थोड़ा सा. वो मेरे को लगा था यार कि यू नो ऐसे तो कोई भी उठ के फिर गोली चला देगा ना. राइट 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 आप इंडिया में देख लो कितनी हार्ड होती है लाइफ लोगों की, ऐसे थोड़ी के सब क्राइम पे उतर जाते हैं, यू नो व्हाट आई राइट मीन. मतलब ऑफ कोर्स यू हैव प्रॉब्लम्स 100%, बट फिर भी एक तरीका होता है. आई डोंट नो, मतलब वो मुझे ऐसा लगा था कि यार थोड़े ज्यादा प्रीची, आप गलत मैसेज दे रहे हो कहीं ना कहीं. बट वो ठीक है, वो फिल्म मेकर की चॉइस राइट. मैंने भी जब वो मेरे को पता लगा था कि वॉकिन फिनिक्स कर रहे हैं उसको, तो मेरे को तो ये था कि यार हीथ लीजर को हमने जोकर में देखा हुआ है, तो मुझे ये था यार पता नहीं कैसे होगा, कि होगा भी उस तरी उस लेवल का ऑस्कर विनिंग टाइप का परफॉर्मेंस हो पाए. लेकिन जब मैं सिनेमा हॉल में गया देखने के लिए, मतलब मैं तो उधर ही, मतलब मुझे ऐसा हो गया था भाई कि ये क्या कर रहा है, भाई. मतलब डर सा वो लगने तो लग गया था कि ऐसा अगर असली में कोई बाहर अगर हो गया, ऐसा बंदा बाहर निकल गया तो क्या करेगा. अगर आप नोटिस करोगे उनके ऑस्कर स्पीच में एक पार्ट है जिसमें वो अपने भाई के बारे में बात करते हैं, रिवर फी राइट राइट जो गुजर गए हैं. डेथ हो गया. हाँ उस 15-20 सेकंड के लिए वो जोकर बन जाते हैं. बिकॉज He said this in another interview also. Every day I used to think about my dead brother. That's how I ओके played the role. So he literally did that.
सो वो करना बहुत डिफिकल्ट है. लाइक जो हमको लगता है ना इजी है, लाइक सोचो कोई आपके इतना क्लोज और वो आप सोच रहे हो उसके बारे में, अफकोर्स आप पागल हो जाओगे, अफकोर्स आप बिहेव करोगे ऐसे, बट वो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. और वो आप लाइफ में 3-4-5 बार ही कर सकते हैं. और ये सारे एक्टर्स बोलते हैं जो इतना घुस जाते हैं ना, राइट. जैसे डेनियल डे लुइस ने एक्टिंग इसीलिए छोड़ दी बिकॉज वो नहीं कर सकते, आप पागल हो जाओगे. हाँ वो तो शूज बनाते हैं शायद अब जहाँ पे भी रहते हैं. हाँ मैंने पढ़ रहा था उनके बारे में, इज इन टू शू मेकिंग. मतलब उनकी भी मैंने वो देखी थी मूवी देयर विल बी ब्लड, वो भी अलग ही लेवल का. वो जो एक सीन था जब वो कर रहे होते हैं कुछ आई अबैंडन्ड माय चाइल्ड, मतलब वो मजेदार. हाँ यार. और ऐसा बहुत इंडियन सिनेमा में भी आ गया. अभी जो परफॉर्मेंसेस है वो बहुत ही लेयर्ड हो गई है और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं. जैसे रणवीर सिंह इज अपिंग हिज गेम इन एवरी फिल्म. आप देखो तो जो उन्होंने रॉकी रानी में भी किया है, right. ऐसा लगता है इंटेंस नहीं, ये नहीं, बट उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया थ्रू आउट एंड ही इज ब्रिलियंट, फ्लॉलेस ऑलमोस्ट. राइट. जैसे वो जो कैंसल कल्चर का वो स्पीच देते हैं, यू आर ब्लोन अवे बाय द गाय बिकॉज. और फिर वो सेम आदमी ने कपिल देव भी प्ले किया और इतनी राइट ब्यूटिफुली. बिल्कुल बिल्कुल. सो आई थिंक ही इज वन ऑफ आवर फाइनेस्ट एक्टर्स, ही एंड आलिया भट्ट एंड ऑफ कोर्स रणबीर कपूर आल्सो. बट लोग घुस रहे हैं इसमें यू नो, और उसके रिजल्ट्स हमको दिख रहे हैं, लाइक वी कैन सी दैट एंड इट्स ग्रेट यार. इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर सिनेमा इन जनरल. राइट राइट राइट. और आपने जो है थप्पड़ मूवी में काम किया था तापसी पन्नू के साथ में और अनुभव सिन्हा के साथ में. वो अनुभव सिन्हा के साथ में आपने, अनुभव सर के साथ में आपकी मीटिंग किस तरीके से हुई थी और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? क्योंकि एक तो जो मतलब मैं पर्सनली ये चीज अपने खुद एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि ऑल्दो वो एक ऐसे, मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका अपना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या उस तरीके का नहीं होता, वो अपने काम से काम रखते हैं, दे मेक मूवीज एंड दैट्स इट. बट अनुभव सिन्हा एक ऐसे इंसान है जिनका एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनी है और वो मूवीज में भी दिखती है और टाइम एंड टाइम अगेन इंटरव्यूज में और उनके उसमें दिखती है वो चीज, है ना. हालांकि बहुत सारी चीजों से मैं वो भी नहीं करता हूंगा कि मैं उस चीज को मानता हूं जो वो बिलीव करते हैं, बट इसके अलावा इन सब चीजों के बावजूद मतलब उनका जो सिनेमा है मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, जिस तरीके की उन्होंने फिल्म्स बनाई है, मुल्क हो, आर्टिकल 15 हो या अनेक हो, और थप्पड़ भी, मतलब जिस तरीके का वो पूरा जो स्टोरी थी काफी अलग थी, नई मूवीज बनती ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में. उनके साथ में एक्सपीरियंस कैसा था आपका काम करने का और किस तरीके के डायरेक्टर आपको लगे वो? यार बहुत ही अच्छा था. मतलब बहुत, मतलब मुझे तो, मैं इस सब में ज्यादा घुसता नहीं हूँ, मतलब मैं अपने काम से यू नो. राइट 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 राइट. तो ऑनेस्टली उनको मिलके बहुत अच्छा लगा था. वो जब मैं पहले दिन मिला था तो ऐसे लखनऊ में बैठे थे हम और एक हवेली में शूट चल रहा था और उन्होंने बोला आ जा यार बैठ बैठ. बोला सेट पे बुलाया था बस मिलने, पहले दिन मैं सिर्फ मिलने गया था. ओके. और वो लोग ने कुछ पान वान मंगाए हुए थे, पान खा रहे थे सर और बैठे थे और अंदर कुछ सेटअप चल रहा था और सब रिलैक्स था. और उन्होंने बस पहला दिन मुझे कंफर्टेबल किया, कुछ काम नहीं हुआ. हम बात किए कैरेक्टर के बारे में, फिल्म के बारे में, स्टोरी के बारे में, मैं अपने को एक्टर से मिला ये वो, और बहुत ही रिलैक्स थे. और बोला फिर कल आ जाना शूट पे, बस इसलिए बुलाया था, आ जा मस्त है. सो उन्होंने, उनसे मैं एक चीज सीखा कि फिल्में जो है वो आराम से बनती है. बिकॉज बहुत बार आप फिल्में बनाते वक्त भी समझ जाते हो कि ओ ये फिल्म इस चीज के बारे में, और वो इवॉल्व होती है. राइट. यू नो इट्स नॉट, यू कांट जस्ट होल्ड ऑन टू इट कि ये ही है. यू नो इट्स समथिंग ब्यूटिफुल बिकॉज इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. राइट. फिल्म बना रहे हो उसमें आपके पास 50-60 आर्टिस्ट है यार, तो वो भी तो कुछ लाएंगे ना. सो दैट वाज ग्रेट. एंड फिर अगले दिन मैं सेट पे गया और वो कुछ लिख रहे थे अच्छा किताब में. वो मैंने बोला सर हाउ यू सर, बोला सर ने बोला कि ये सारे डायलॉग्स ना मैंने चेंज कर दिए. अब ये याद कर रहा है तो तू टेंशन मत ले, तू समझ गया है ना कैरेक्टर क्या, तू कुछ भी कर. सो ही इज वेरी, दैट्स द अदर थिंग आई लर्न के यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल ऑन सेट. यू हैव टू बी ओपन टू वर्किंग विद डिफरेंट डायरेक्टर्स हु हैव डिफरेंट मेथड्स. राइट.
फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, राइट, आपको सिर्फ उनकी जो विजन है उसको बाहर लाना है, एंड दैट इज योर जॉब एज एन एक्टर. सो आई लर्न दैट एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू वर्क विद सर, एंड उनसे बहुत सीखने मिला, लाइक कैसे आपको अलग अलग सिचुएशंस में अपना कंपोजर रखना है एंड परफॉर्म करना है, इवन इफ थिंग्स आर डिफिकल्ट, यू नो, बिकॉज दैट इज समटाइम्स व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू. सो आई रियली एंजॉयड द होल प्रोसेस. और यहाँ पे इस वाली मूवी में जो कल रिलीज होने वाली है दोनों, उसमें तो फिर बिल्कुल ड्रास्टिक डिफरेंस रहा होगा इसमें, मतलब अगर हम राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की बात करूं, जितनी मूवीज मैं देखता हुआ आया हूं बचपन से ही, सूरज बरजातिया सर ने भी जो मूवीज डायरेक्ट करी हैं और सलमान सर के साथ में तो जो भी उनका कोलैबोरेशन इतना लंबा रहा ही है, तो अब उनके बेटे हैं, ठीक है, अवनीश बरजातिया, तो उनकी पहली फिल्म है, बट इसमें भी जो है वेडिंग वाला एक वो है, वेडिंग वाला जो एक उनका वो रहता है इसमें काम. हाँ, तो ये इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? यार आई टेल यू, अवनीश इज अ रियली गुड डायरेक्टर. जब फिल्म आएगी ना बाहर तो सब यही बोलने वाले हैं, बिकॉज ही इज वेरी गुड और ही इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म. आप देखना उसका स्टैम्प है ये फिल्म पे, और वो रिटन बाय हिम एंड डायरेक्टेड बाय हिम सो ब्यूटिफुली. और वो यंग है, उनके आइडियाज अलग है, और वो बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशन को मैच मिक्स करने की कोशिश कर रही है ये. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. एंड एक्चुअली इवन विद अवनीश इट्स वेरी इजी टू वर्क विद, बिकॉज ही इज, वो आपके सजेशंस लेते हैं, राइट और राइट, यार ये सीन तू कैसे करता, अच्छा ठीक है तो फिर ये ऐड कर देते हैं. बहुत कुछ उन्होंने ऐड किया है स्क्रिप्ट में, हम सबको मिलने के बाद और हमारे सजेशन दे के. और एक्चुअली वो भी ऐसे ही थे कि सेट पे बहुत कुछ इम्प्रोवाइज हो जाता था, लाइक एक स्ट्रक्चर होता था बट बहुत कुछ इम्प्रोवाइज हो जाता था, अप डाउन होता था. एंड ही नोज, द बेस्ट पार्ट इज ही नोज हिज स्टोरी, ही नोज व्हाट ही वांट्स. तो मेरा कैरेक्टर कुछ भी क्वेश्चन पूछ, लाइक मैं उनको कुछ भी पूछता था ना, उनके पास जवाब होता था कि नहीं तू ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करेगा, क्यों, क्योंकि तेरा इस सीन में ये है और स्टोरी वाइज ये होना चाहिए. मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कुछ करने का, राइट राइट, आई नीड अ रीजन टू डू समथिंग नो. तो वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद अवनीश. एंड सूरज सर भी हमेशा सेट पे होते थे और बहुत प्यार से, मतलब वो डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे बट ही वॉज ऑलवेज देयर. एंड अगर उनकी हेल्प चाहिए होती तो कोई भी ले सकता था, चाहे वो अवनीश हो, चाहे मैं हो, या कोई भी हो. सो दैट वॉज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस की वजह से ना बहुत कुछ चीजें सिंपल हो गई. राइट राइट राइट, पता भी नहीं चला. और जो कास्ट भी है, राजवीर देओल और पलोमा जो है, उनके साथ उनसे आपकी पहली मीटिंग कब हुई और किस तरीके से रही, और उनके साथ का एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहो? यार पलोमा को तो मैं थोड़ा पहले से जानता था, सो दैट वाज गुड, बिकॉज मैं उनके भाई के साथ फुटबॉल भी खेलता था, और फिर शी आल्सो न्यू सम ऑफ माय कॉमन फ्रेंड्स, सो वी हैड मेट, एंड दैट वाज ग्रेट बिकॉज उसके वजह से हमारी बॉन्डिंग केमिस्ट्री ऑलरेडी थोड़ी सी थी. राइट, एंड शी इज वेरी चिल्ड आउट यार, वो सोचते रहती है और वो ऐसा लगता है कुछ नहीं कर रही है जब एक्टिंग कर रही है, बट जब स्क्रीन पे देखोगे ना तो आपको लगेगा कि वाह यार तुमने तो अच्छा कर दिया यार, ये कब किया तूने. राइट राइट राइट, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी नाइस अबाउट हर, एंड शी इज गोइंग टू सरप्राइज एवरीवन इन दिस फिल्म, लाइक आई एम टेलिंग यू, लाइक यू आर गोइंग टू सी हर, शी इज गुड. या एंड राजवीर ऑनेस्टली इज अ वेरी स्वीट गाय, लाइक आई रियली लाइक, वो हमेशा हंसता रहता है और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, यू नो, और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार सनी देओल का बेटा है, कभी नहीं. राइट राइट, वेरी हम्बल, ही इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी फ्रेंडली, एंड वी वर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, लाइक यू नो. एंड इट्स बीन ग्रेट यार, हम बहुत कुछ सेट, मतलब सेट के अलावा भी बहुत चिल भी करते थे, यू नो, स्विमिंग भी सब लोग साथ में जाते थे, या वर्कआउट कर लिया, या जॉगिंग कर लिया, या लंच पे चले गए, सो बॉन्डिंग हो गई एक. सो दैट वाज ग्रेट. राइट राइट राइट. और फ्यूचर में मतलब कुछ आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, क्या क्या प्लान्स हैं आपका? मैं इंटरव्यू एक देख रहा था, उसमें आपने कहा था कि आपको राइटिंग में और इसमें भी इंटरेस्ट है ही, तो क्या आप उस डायरेक्शन में भी जाना चाहते हो कभी इन फ्यूचर? या 100% मैंने एक्चुअली दो शो लिखे भी हैं जो ऑन एयर हैं. ओके ओके,
एक हॉटस्टार पे, एक एरोस नाउ पे, जिसमें मैं हाँ ही ओके तो मैं अपने लिए भी लिख लेता हूँ कभी कभी कि यार राइट दो राइट राइट बट हाँ ऑफ कोर्स आई वांट टू राइट एंड आई वांट टू डायरेक्ट एंड आई वांट टू प्रोड्यूस माय ओन शोज, फिल्म्स, एवरीथिंग इन द फ्यूचर. ऑफ कोर्स उसका टाइम आएगा. राइट मैं राइट कहीं राइट रश में बिल्कुल नहीं हूँ, बट अभी करेंटली पाइपलाइन में ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, राइट बट राइट राइट कुछ बातें चल रही है. होपफुली वेरी सून यू विल हियर समथिंग, और मैं आपको आपको ही पहले बताऊंगा, डोंट अरे वरी. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलो आई थिंक इसको करते हैं रैप अप फिर. इट डन वाज यार, डन डन लवली. अगर रैप. कुछ है ऐसा जो आप शेयर करना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो तो यू कैन कुछ हिट भी मी. नहीं, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने अरे शायद. थैंक यू सो मच इट वाज लवली थैंक टॉकिंग टू यू. और बाकी बेस्ट ऑफ लक कल मूवी के लिए. आई होप कि सब कुछ बहुत बढ़िया रहे. यू यार, प्लीज पिक्चर देखना और मुझे श्योर बताना श्योर श्योर और मैं कैसा लगा और फिल्म कैसी बिल्कुल लगी. श्योर श्योर आई विल डू दैट. थैंक यू बाय लवली बाय ब्रो, टेक. हम पोएट्री नोट शेयर करेंगे वेरी सुन. बिल्कुल हम बिल्कुल मुझे मैं करता हूँ. हंड्रेड ईमेल परसेंट हंड्रेड डन. परसेंट बाय टेक बाय. केयर. ठीक है, बाय.